एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी शादीशुदा जीवन में मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो एक सरल सी जानकारी हम आपको देने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे आप अपनी मैरिड लाइफ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छी कर सकते हैं। ये हम जानेंगे लग्न चक्र से और नवमान चक्र से। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी लग्न चक्र में हम देखते हैं कि शादी हो जाने के बाद में हमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारा जो सातवां भाव, सातवां स्वामी और कारक शुक्र की पोजीशन अच्छी नहीं होने के कारण कुछ न कुछ प्रॉब्लम आती हैं, और नवांश में भी अच्छी स्थिति नहीं होने पे ये हो सकता है। तो दशाएं भी प्रभावित करती है उस टाइम पे, गोचर प्रभावित करते थे। इन सब को ओवरकम करने के लिए आपको जो हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वो देखें कि जैसे कि लग्न कुंडली है, तो लग्न कुंडली के में के बाद में आप नवांश चक्र देखिए, जो शादी शादी के लिए देखा जाता है। तो अगर वहाँ पे जो जो नवांश का लग्न बनता है उसको देखें, जैसे यहाँ पे बन रहा है 8 नंबर की जो राशि बन रही है वो वृश्चिक राशि बन रही है, और वहाँ देखें कि वही लग्न चार्ट में वो वृश्चिक राशि कहाँ है। तो यहाँ देख सकते हो वृश्चिक राशि 8 नंबर की आपके पंचम भाव में है। तो आपको क्या करना है कि जो तालमेल बिठाना है आपके जीवन साथी के लिए, तो आपको जो है वृश्चिक राशि के जो गुण धर्म है और साथ में पंचम भाव के जो गुण धर्म है उनका आपको मिलाना पड़ेगा, जिससे कि उसको अपने लाइफ में बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सके। उसके लिए क्या करना है देखो, यहाँ पे नवांश में जो भी लग्न बनता है उसको आपको लग्न चाकर पे देखना है कि वो 8 नंबर की राशि कहाँ बैठी थी या पंचम भाव में बैठी है। तो पंचम भाव प्रेम का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, और वृश्चिक जो राशि है वो पराक्रम की राशि है। और इस तरह से आपको अपने जो मैरिड लाइफ में के लिए एंटरटेनमेंट है, क्रिएटिविटी है, ये और प्यार है, इसको अपने हस्बैंड के साथ में बढ़ाना चाहिए जिसके कारण आपकी मैरिड लाइफ है वो अच्छी रह सकती है। तो ये हमको बताने का प्रयत्न किया। तो आप कोई सा भी लग्न बन रहा हो, जो भी लग्न का राशि बन रही हो, वो अगर जहाँ पे भी बैठी हो उससे तालमेल बिठाना चाहिए। मान लो यही 8 नंबर की राशि अगर यहाँ पे होती है नवम भाव में, तो आपको नवम भाव जो आपका धर्म का है, आपका जो भाग्य का है और साथ में प्रेयर का है, तो ये आपको बढ़ाना चाहिए अपने उसके अंदर। और उसके कारण आपका जो भी यहाँ राशि यहाँ 9 नंबर की होती है और 9 नंबर यहाँ आ जाता है, तो धनु राशि जो है वो उसके गुण धर्म के साथ साथ में आपको नवम भाव का जो गुण धर्म है उनको जोड़ के अपनी लाइफ में एक्टिव करने से वो अच्छा हो जाता है। अगर वो चौथे भाव में आ जाता है, मान लो यहाँ पे जो भी ग्रह शुक्र ग्रह होता है, यहाँ 2 नंबर या 7 नंबर की राशि होती है यहाँ पे, और उसका स्वामी शुक्र बनता है और वो चौथे भाव में अगर वो राशि बनती है, मान लो यहाँ 7 नंबर होता है और वो 7 नंबर की राशि लग्न चक्र में चौथे भाव में आती है, तो आपको चौथा भाव जो है आपका सुख सुविधाओं का है, तो अपना घर का जो वातावरण है वो सुखमय बनाना चाहिए। और शुक्र के का काम जो है डेकोरेशन है और प्यार है, उसको बढ़ाना चाहिए अपने मैरिड लाइफ में अपने घर के अंदर। तो इस तरह से आप अपनी कुंडलियों में इसको लगा के देख सकते हैं। आपका जो सूत्र यह है, जैसे आपका लग्न चक्र है वो उसको उसमें यह देखना है कि जो नवांश का लग्न बनता है वो कौन सी राशि का बनता है, उस राशि के जो गुण धर्म है, और साथ में वो लग्न चक्र में वो नवांश में जो लग्न बना वो काम बैठा है। जैसे यहाँ पे 5 नंबर के
भाव में बैठा है, तो पांचों भाव के गुण धर्म को और वशिष्ठ के गुण धर्म को मिला के अपनी लाइफ में उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपको अपनी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो सके। तो यहाँ पे हमने बताया था कि ये पांचों भाव से जो गुण धर्म है आपके, प्यार का है, एंटरटेनमेंट का है, क्रिएटिविटी का है, वो अपनी लाइफ में बढ़ा के अपनी मैरिड लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये संक्षिप्त सी जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है। यहाँ पे वो ग्रह जैसे 8 नंबर का है, तो उसके मंत्रों के जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मंत्र उच्चारण का भाव है, मंत्रों का भाव है। तो ओम हनुमते नमः, जो भी आप इष्ट देव मानते हैं 8 नंबर की राशि के लिए, उसका यहाँ पे मंत्रों के जाप भी करना चाहिए। या इस ये सरल सी जानकारी आपको हमने देने का प्रयत्न किया है, और ये आप अपनी कुंडली में लगा के देखिए और अपने जो शादीशुदा जीवन है उसको अच्छे से उसको चलाने की कोशिश करना चाहिए। वैवाहिक जीवन अच्छा चले इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये एक तरीका हमने बताया। आपको हमारे विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।